हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम सीखेंगे HCF और LCM फाइंड करने के लिए। फ्रेंड्स, ये दोनों सेम ट्रिक है, क्योंकि हम डिवीज़न के मेथड में यहाँ पर यूज़ कर रहे, इसलिए आपको HCF और LCM फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे कई फ्रेंड्स डिफरेंट ट्रिक्स लेकर आते हैं और कई फ्रेंड्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसलिए हम ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं हमारे उन फ्रेंड्स के लिए जिनको HCF और LCM फाइंड करने में दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल लेकर 24 और 108 का। तो ये दोनों को हम दो से डिवाइड करेंगे, 12, 54। फिर से दो से डिवाइड करेंगे, 2। ये 12 दो से डिवाइड होगा तो 6, और 54 27। फिर से 2, क्योंकि यहाँ पर 6 है इसलिए, तो 2 × 3 = 6, और 27 को हम ऐसे ही नीचे रख देंगे। फिर से यहाँ पर 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए 3 × 9 = 27, 3 × 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से 3 × 3 = 9 और 1 ऐसा ही नीचे आ जाएगा, और 3 × 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये हमारा LCM ऐसा रहेगा, 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2, ये हमारा LCM है। अब हम HCF फाइंड करते हैं। हमारा HCF एक एग्जांपल लेते हैं 24 और 108 का। तो 24 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, और 108 को हम 54 से। फिर से 2, क्योंकि हम ये दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 27 = 54। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन दोनों को हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 2 लेंगे तो यहाँ पर हम 27 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27। अब देखिए, ये 2 और 9 यहाँ पर अनकॉमन फैक्टर है। ऐसे अब हमें ये करना होता है कि जब यहाँ पर दोनों अनकॉमन फैक्टर आ जाए तो यहाँ से HCF निकालना स्टॉप करना होता है। तो HCF हमारा रहेगा 2 × 2 × 3 = 12, ये हमारा HCF है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मेरे इस चैनल में ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरा ये चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू।